जी उस्ताद हरी शो कर रहे ने देंदे माशाल्लाह उड़े हुए ने तुम दिखाने जानवर उड़ रहे ने मेरा लाइट की वजह तो तुम शायद नजर नहीं आ रहे लेकिन परिंदे है सामने चेक करो परिंदे उड़ रहे ने। उस्ताद जी को एक दो सवाल पूछने ने मैं क्या उस्ताद जी तुम रात क्यों उड़ा रहे हो। उस्ताद जी की वजह है जी रात क्यों उड़ा रहे हो तुम मैं वेख रहा वहाँ पिछले कोई महीने तो ना तुम रात को उड़ा रहे हो जानवर तो मैं ये सोच रहा कि यार इन अगर तुम दिन टाइम उड़ाते हो तो की टेंपरेचर बर्दाश्त कर पाएंगे। बिल्कुल होना है कि इन्होंने असं रात बखा रहे 10-11 बजे तक क्योंकि कराची के जो है ना 2 बजे सुबह 2-3 बजे 4 बजे 5 बजे 7-8 बजे जो बहेगा ना वो किसी खाते ही नहीं आना। अच्छा यानी कि शाम 9 तो पार बेगा कोई यदि कोई पोजीशन है चाहे कोई कोई पोजीशन में आएगा सही क्योंकि कंपटीशन टफ है यहाँ पे रात की गेम है। हाँ। दिन का कोई चक्कर थी हाँ नहीं वैसे मोस्टली मैंने देखा है जो लोग हारते हैं ना वो हमेशा यही टाइम से हारते हैं मगरिब और ईशा के दरमियान जो टाइम होता है ना क्योंकि परिंदे दिन में तो उड़ लेते हैं जैसे मर्जी उड़ा लेता है अनाड़ी बंदा भी उड़ा लेता है लेकिन जब शाम का टाइम होता है जानवर बौखला जाता है वो बोलता है अंधेरा उसने देखा ही नहीं होता वो निकल जाता है इसलिए हम शाम को छोड़ देना ताकि लाइटों पे जाए लंबे। हाँ, ताकि रात की रूटीन उनकी पक्की हो जाए 11-12 के पक्के हो जाएंगे ना फिर हमें मसला नहीं होता फिर हम आस्ता आस्ता घंटा घंटा इनको नीचे लेके जाते हैं। हाँ। सुबह 10 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे छोड़ दे फिर ये अंधेरे में ही बैठते हैं क्योंकि इनके आदि हो जाते हैं अंधेरे में। सही बिल्कुल सही बात यार ये अभी इनको हम उड़ाएंगे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे छोड़ेंगे तो रात को जाएंगे। अगर हम इनको छोड़ेंगे सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तो ये फिर मगरिब का घर बना लेंगे। सही हो गया मगरिब में बैठेंगे फिर तो किसी खाते में नहीं आएंगे। हाँ ये बात भी सही है उस्ताद जी ये बात बड़ी इन्फॉर्मेटिव है यार लोगों के लिए जिन भाइयों को नहीं पता तो काइंडली वो भी अगर ट्रेन करना चाहें तो इसी तरह। उस्ताद इसका तरीकाकार बेसिकली क्या होता है क्योंकि लोगों को नहीं पता हम लोग शाम में क्या करते हैं बिठा देते हैं या उड़ाते हैं हमारे जानवर इधर उधर गिर जाते हैं क्या चक्कर क्या है कैसे इनको ट्रेन करना रात के लिए तकरीबन आपके सामने अभी भी उड़े ना। हाँ ये माशाल्लाह मैं दिखा रहा हूँ ये देखे ना परिंदे अभी भी ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि मतलब दिन में उड़ रहे होते हैं ये देखें ये सारे परिंदे ऐसे उड़ रहे हैं जैसे दिन में उड़ रहे होते हैं देखें माशाल्लाह सारे। तो भी उस्ताद जी बताएं इसका क्या तरीका कार है मतलब इसकी ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक चलती है। हम पहले 4 बजे छोड़ने शुरू करते हैं। हाँ। उनके अंधेरे में जाते हैं मगरिब के टाइम तो फिर अंधेरे में कोई गिरता नहीं है नहीं कुछ गिरते हैं कुछ मतलब कुछ बैठ जाते हैं कुछ गिर जाते हैं जो गिर जाते हैं उनका क्या करते हैं उनका फिर किसी खाते में नहीं। अच्छा उनको अलग कर देते हैं अलग कर देते हैं उनको जो गिर गया वो बेकार है। हाँ ये बात क्या कर रहे हैं जितना भी अच्छा यानी कि वो डरा डरा के फिर थोड़ा मगरिब के टाइम बैठने के लिए फिर थोड़ा जब नाइट के थोड़े पक्के हैं फिर डराना शुरू कर दे। ठीक है मतलब वो है ना एक जुमला है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का अगर उड़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है तो ये रिस्क आप लेते हैं कि भाई इनको कंटिन्यूसली लेके चल रहे जो लोग डरते हैं रिस्क लेने से कि भाई रात को नहीं उड़ाएंगे जाया हो जाएंगे वो फिर हार जाते हैं किसी न किसी तरह। पंजाब की कबूतरबाजी है भाई दिन वाली यहाँ पे ये चक्कर नहीं है क्योंकि इनका टाइम खुला है अगले दिन तक भी उड़े नजर आए तो मुनसर बैठा रहेगा। अच्छा दिखाते रहेंगे मतलब जब तक ये नजर आ रहे हैं जब तक उड़ रहे हैं तो मुनसर को जाने नहीं देना भाई जान। बिल्कुल भाई ये जब कराची टूर्नामेंट उड़ता है ना अगर किसी ने 2-3 बजे भी रात में बैठा है तो उसको भी खतरा होता है मैं हार जाऊंगा। वाह क्या बात है आगे क्योंकि लोग सुबह 8 बजे 9 बजे अगले दिन मगरिब तक भी गेम है लोगों के कबूतर। वाह क्या बात है बहरहाल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भाई जय ये उम्मीद करते हैं कि भाई सबको क्या नाम इससे नॉलेज में इजाफा होगा। दूसरी बात ये है कि अभी ये खाली उड़े हैं। अच्छा अभी ये खाली उड़े बिल्कुल अभी पहली फड़के 10-12 हाँ अभी पहली से इंशाल्लाह इनको पानी दे के उड़ाना शुरू कर देंगे। अच्छा उसके बाद फिर लोग कल्टी करके खाली करके उड़ाते हैं। हाँ। हम राशन पानी दे के उड़ाते हैं। अच्छा वाह भाई वाह इनके आपके सामने इनको बादामों की रैश पहले लगा के उड़ाया करेंगे फिर उसके बाद जो है ना गंदम पे चले जाएंगे फिर वो बोरे बोरे भी होंगे पानी जो भी मामला। हाँ सही है ये अभी गंदम में जाएंगे इनको 5-5, 6-6 गंदम से स्टार्ट करेंगे पहले देखे उड़ाना फिर 20 गंदम 18-15 30 देते हैं कोई 50 भी देता है। अच्छा 100-100 भी देता है भाई सही है अपनी अपनी गेम है जिस हिसाब से उन्होंने गेम लगाई कबूतर को देख के उस हिसाब से चलता है। अच्छा मैंने एक बात चीज नोट किया आप कबूतर पकड़ते हैं तो वो रखते नहीं उसकी क्या वजह है कबूतर पकड़ते हैं किसी का वो रखते नहीं अपने पास उसको निकाल देते हैं उसकी क्या वजह है कोई बहुत अच्छा हो मैं पसंद है तो वो रख लेते हैं
बकाया तो ज्यादा माड़ी ज्यादा निकाल देते ताकि बीमारी का खतरा होता है इससे। बीमारी की खतरे की बात हम बोलते हैं, वो रखे जिसका हमें पता हो। हाँ ये बात भी सही है। बहरहाल चलिए उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कीमती वक्त का, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों के नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। ये भाईजन, ये बाकी जनता, ये शिगिर्द वगिर्द बैठे हुए हैं, ये भाई ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं इसको भाई? ये सारी मेहनत इनकी। अच्छा हाँ, तो मशवरा देने वाले। ये देखो मेहनत की है, मेहनत दिख रही होगी, ठीक है। ये भाईजान, ये सबसे बड़ा उस्ताद है, सबसे ज्यादा मेहनत इस बंदे ने की हुई है ना, सिर्फ खाने में। ये देख क्या बर्गर खाया, क्या है ऐसे करके दिखा के ये खाया।